हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? फिर मैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ, न्यू वीडियो के साथ, हालांकि मुस्कान जी की पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, काफ़ी लोगों को पसंद आई, काफ़ी अच्छे उस पर व्यूज़ आए, काफ़ी कमेंट्स भी आए, लोगों को सीखने को मिलता है एक दूसरे से। वीडियो डालने का मोटिव बस यही रहता है कि जो चीज़ें हम कई बार कार सीखते हैं तो हमको ये नहीं पता चल पाता कि हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, तो एक दूसरे की वीडियोस से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुस्कान मिश्रा है। ओके, कहाँ से आती हैं? मैं बहराइच की रहने वाली हूँ। ओके, अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी MBA कर रही हूँ। कहाँ से? बीबीडी से। ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? आज थर्ड डे है। थर्ड डे है। इससे पहले कौन सी कोई कार चलाई है आपने? इससे पहले जेस्ट चलाई है, इंडिगो okay. चलाई है। ओके okay. तो अल्टो भी चलाई है। ओके okay. तो आज क्या सीखने वाली हैं आप? आज हम लोग खुरम नगर से मुंशी पुलिया वाले रोड पे चलेंगे, ठीक है ना? तो कार स्टार्ट करने से पहले किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता? स्टार्ट करने से पहले सीट बेल्ट लगानी होती है। सीट बेल्ट लगा लीजिए। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके और आप उससे नॉलेज ले सकें। सीट बेल्ट लग गई। राइट साइड का साइड मिरर आपका सेट है, दिख रहा है प्रॉपर? ये लुकिंग ग्लास, ये भी सेट है। और ये लेफ्ट वाला साइड मिरर, ठीक है। अभी आप इंजन ऑन करो, अभी ये हैंडब्रेक डाउन करो, हैंडब्रेक लगा हुआ है। ऊपर उठा के बटन दबा के नीचे ले जाओ, पहले ऊपर उठाओ फिर बटन पुश करो, और उठाओ ताकत लगा के, अब नीचे ले जाओ। गुड, अब राइट का सिग्नल दो नीचे को। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, पहले गियर में डालो इसको। गुड, सिग्नल इसलिए दिलवाया ताकि पीछे वालों को ये पता चल जाए कि ये गाड़ी धीरे धीरे चलने जाने जा रही, रेडी हो रही है। जाने दो धीरे धीरे। अभी इस बीच में दो दिन की क्लास ऑफ थी, सैटरडे संडे, तो आपने कोई गाड़ी ट्राई करी? नहीं करी। चलो कोई नहीं, अभी दो तीन दिन और चला लो, उसके बाद फिर ट्राई करना। जाने दो धीरे धीरे, स्पीड मेंटेन करो। गुड, जाने दो। अब कौन सा गियर डालोगी? सेकंड। हाँ, तो सेकंड डालो। गुड, वेरी गुड। सेकंड के लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? 20। वेरी गुड। आगे से हम लोग लेफ्ट चलेंगे, मेन चौराहा रिंग रोड है, वहाँ से रिंग रोड से हम लोग मुंशी पुलिया की तरफ चलेंगे। रूट पता है ना मुंशी पुलिया का? क्योंकि बीबीडी जाती हो तो उसी रूट से जाती होगी। हम वहीं रहते हैं। अच्छा, बीबीडी हॉस्टल रहते हो? ओके, यहाँ सिर्फ कार सीखने के लिए आई हो? हाँ। ओके, हल्का लेफ्ट आ जाओ। धीरे धीरे, वेरी गुड। अभी देखो आपने साइकिल वाले को कितना चिपका के निकाला, जो लेफ्ट में है, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, नहीं किसी को टच हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एकदम केयरफुल, आगे मेन रोड से हमको लेफ्ट जाना है। स्टीयरिंग सही से पकड़ो, 3 और 9 पे दोनों हाथ से। लेफ्ट का सिग्नल दो, देखो लेफ्ट ज़्यादा गाड़ी आ रही है आपकी। हाँ, बढ़ाओ धीरे धीरे। सिग्नल दिया लेफ्ट का, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करो। चलो करो, फर्स्ट कर लो, अब कर लो फर्स्ट करो फटाफट। चलो जाओ, आपका लेफ्ट वाला शूज फिर ऊपर खिसक गया। लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, राइट वाले की नहीं। हाँ, ये जाने दो, और लेफ्ट आओ। हाँ, धीरे धीरे मेन रोड से जाना है हम लोग को, ये खुरम नगर चौराहा है, थोड़ा सा ध्यान देके, क्योंकि राइट से गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ रही है। और लेफ्ट दबाओ, और दबाओ, वेरी गुड, जाने दो। और लेफ्ट आओ, हाँ लेफ्ट आओ, लेफ्ट, ज़्यादा राइट नहीं जाना क्योंकि राइट से ट्रैफिक तेज़ी से जा रहा है, हमको स्लो चलना है। स्पीड बढ़ाओ, और बढ़ाओ, स्टीयरिंग फिर गलत पकड़ रखा है, 3 और 9 पे क्लच दबा के सेकंड गियर करो, जल्दी से चेंज करो। वेरी गुड, जाने दो, बहुत बढ़िया। लाइन नहीं चेंज करी, ये जो वाइट लाइन दिख रही ना, इससे उधर राइट नहीं जाना है, क्योंकि राइट से जो भी ओवरटेक करेगा वो राइट से, तो अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखो, बीच वाली लाइन में इधर जो है, तो इससे क्या होगा ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये हाथ सही से रखो 3 और 9 पे, वो वाला हाथ ऊपर आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो राइट वाला हाथ है, लेफ्ट वाला, ये वहाँ नहीं जाएगा 12 o'clock पे। राइट वाले से हम 12 o'clock तक हाथ ले जा सकते हैं, और ये ग्रिप नहीं बनानी है, स्कूटी की तरह नहीं पकड़ना है इसको, ढीले हाथों से। वीडियोस में देखा है आपने, कैसे बताता हूँ मैं पकड़ने के लिए, ये हाथ फिर गलत ले गई आप, ये हाथ वहाँ नहीं जाएगा, ये होता है गियर के लिए। राइट वाला हाथ आपका जा सकता है 12 o'clock पे। अभी देखा गाड़ी आपकी लेफ्ट में कितना आ गई थी, आई थी डिवाइडर पे चढ़ जाती, थोड़ा सा ध्यान देना है डिवाइडर से, हमेशा 2 से 2.5 feet। ये आप लेफ्ट में एक वाइट लाइन देख रहे हो, ये इसीलिए बनी हुई है कि कार का पहिया उस साइड नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्पेसेस है कि इनकेस राइट लेफ्ट से आपको कोई दबा रहा है तो अपनी गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। अभी एकदम सही चल रही, परफेक्ट। धीरे धीरे जाने दो,
जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया करे वहाँ पे हल्का सा ब्रेक पे पैर लिया करो, ब्रेक लगाना नहीं है बट पैर आना बहुत ज़रूरी है। अभी आगे सेक्टर 25 की रेड लाइट आ रही है, वहाँ पे गाड़ी को स्टॉप करना है आपको। स्टॉप करने के बाद वापस जब आप मूव करेंगी तो फर्स्ट गियर होना चाहिए, ठीक है, जाने दो, लेफ्ट ही रखिएगा, ज़्यादा राइट ले जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग को सीधा चलना है। और जो राइट तब रखेंगे जब हमको भूतनाथ की तरफ जाना हो, अभी हम लोग को स्ट्रेट जाना है तो सामने जो बस खड़ी है बस उसी के बैक साइड में रुक लेना आराम से, हल्का राइट ही रखना, हाँ हल्का राइट रखो, ज़्यादा लेफ्ट नहीं, राइट रखो, क्लच दबा के कौन सा गियर करोगे, फर्स्ट करो फटाफट जल्दी से, और ब्रेक लो, हाँ थोड़ा गाड़ी डाउन करो, स्पीड कम करो, वेरी गुड। अब इसको कौन से गियर में करोगे, न्यूट्रल, अब न्यूट्रल कर लो, न्यूट्रल हल्का पीछे करो बस, हाँ अब आप क्लच और ब्रेक छोड़ सकते हो, अपने पैरों को एकदम रिलैक्स कर सकते हो। अभी ये रेड लाइट जैसे ग्रीन होगी कौन सा गियर डालोगे आप, फर्स्ट गियर डाल के हल्का सा एक्सेलेटर के साथ आपको बढ़ाना है, ठीक है, और साइड मिरर में ज़रूर ध्यान देना क्योंकि जब एकदम से ग्रीन होती है तो लोग एकदम से भागते हैं, नज़र चारों तरफ रहनी चाहिए। आपको ये पता हो आपके लेफ्ट में क्या चल रहा है और राइट में क्या है, कितना स्पेस है, चलो फर्स्ट गियर डालो फटाफट, ग्रीन हो गई है, हाँ हल्का एक्सेलेटर के साथ जाना है, हल्का एक्सेलेटर लो, चलो जाओ हॉर्न मारो, गुड जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, लेफ्ट आओ धीरे 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 धीरे, हाँ चलो जाओ सीधा जाना है हम लोग को, स्ट्रेट बढ़ाओ स्पीड, स्पीड बढ़ाओ फटाफट, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, चलो जल्दी से चलते चलते, ये बेटा फोर्थ गियर डाल दिया था आपने, लेफ्ट दबा के उसको डालना था ना, और शूज़ आपका बार बार ऊपर खिसक जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, जिनकी ज़्यादा हाइट होती है ना उनके साथ यही दिक्कत आती है, बार बार उनका पैर ऊपर खिसक जाता है। कितनी हाइट है आपकी, 5'8" बताया था आपने मुझे उस दिन, अच्छा स्पीड कम, हल्का लेफ्ट आओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, थोड़ा सा अपनी सीट पीछे करो, हल्का सा रुको मैं कर दे रहा हूँ हल्का, अब ठीक है, अब कंफर्टेबल लग रहा है या पहले लग रहा था, अब लग रहा है इसलिए क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा है ना, इस वजह से, बहुत ज़्यादा नहीं 6 फीट की नहीं हो लेकिन हाँ फिर भी हाइट के हिसाब से मतलब सीट आपकी ज़्यादा आगे थी, ठीक है, और जब ज़्यादा सीट आगे होती है तो फिर हमारे पैर जो है ना ये खुल नहीं पाते हैं, तो चाहे जितनी हम कोशिश करेंगे पैर बार बार वो क्लच पे और ब्रेक पे खिसक जाते हैं। अभी आपका एकदम परफेक्ट जो सीट है वो एडजस्ट हो चुकी है, जाने दो, वेरी गुड, स्टीयरिंग मैंने अभी बोला था ये हाथ उधर नहीं जाना चाहिए, हाँ ज़्यादातर एक ही हाथ से स्टीयरिंग संभालनी होती है, राइट हैंड से, लेफ्ट वाला जो होता है वो होता है गियर शिफ्टिंग के लिए, सिर्फ वो टच व्हील के लिए रखा जाता है, जाने दो, स्पीड मेंटेन करो, कौन से गियर में हो आप अभी, सेकंड, थर्ड के लिए क्या करोगे, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, 12 o'clock पे स्टीयरिंग पकड़ो, 12 o'clock पे स्टीयरिंग, 12 o'clock पे वॉच टाइम, 12 o'clock किसको कहते हैं बेटा, ये हाथ यहाँ लाना वॉच टाइम, हाँ चलो अब लेफ्ट वाला हाथ गियर पे लाओ और पूरा क्लच दबाओ, सेंटर में जाओ ऊपर, सेंटर में बीचों बीच में ऊपर जाओ, ऊपर, हाँ हाँ जाओ, बस हो गया थर्ड गियर, जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी थोड़ी सी बबल कर गई थी, लहरा आ गई आपकी गाड़ी, चलो क्लच छोड़ो, आ जाओ लेफ्ट, लेफ्ट वाली लाइन में रखो, हल्का स्पीड मेंटेन कर लो, जाने दो आराम से, हाँ स्पीड कम ज़्यादा नहीं, बस 30 से ऊपर नहीं, 30-40 रहती थर्ड गियर की, लेकिन अभी भगाना नहीं है, जाने दो धीरे धीरे, वेरी गुड, फिर ग्रिप बना लिया आपने स्टीयरिंग, स्कूटी की तरह नहीं पकड़ना ना इसको, ऐसे पकड़ना ढीले हाथों से, ये चीज़, हाँ हाँ ऐसे, ताकि मतलब जो ताकत है वो स्टीयरिंग को आप पकड़ने में ना लगाओ, घुमाने में लगाओ। अभी यहाँ पे स्लो करना है, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, यहीं से लेफ्ट टर्न करना जहाँ से गाड़ियाँ लेफ्ट टर्न हो रही हैं, चलो ब्रेक पे पैर आया आपका, नहीं आया था गियर चेंज करने के टाइम, स्पीड कम करो, लेफ्ट का सिग्नल दो, लेफ्ट का बेटा, राइट क्या दीवार कूद के जाओगे, ये बाउंड्री कहाँ जाओगी, रेलिंग लगी हुई है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, चलो लेफ्ट टर्न करो, काटो फटाफट, और काटो और काटो और काटो और काटो और काटो, अब सीधी करो, अब थोड़ा सा राइट जाके गाड़ी आपकी कटी है, आपकी गाड़ी लेफ्ट आके कटनी चाहिए, ज़रूरी थोड़ी कि कभी भी रोड खाली हो, कभी भी सामने से कोई भी गाड़ी आ सकती है, हमारी साइड कौन सी है, लेफ्ट, हम जितना लेफ्ट रखेंगे उतना सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपने साथ साथ हमें दूसरे का भी ध्यान देना है, ठीक है, और स्पीड पे चलाना कोई कला नहीं है, जितना स्लो चलाएंगे बारीकियाँ उतनी हमको समझ में आएंगी, देखो एकदम से आया गाड़ी वाला, उसने ना कोई सिग्नल दिया ना कोई हॉर्न दिया, तो ये समझ लो सारी जिम्मेदारी आपकी है, जाने दो धीरे धीरे, हाँ हल्का राइट रखो, स्पीड कम करो और लेफ्ट आओ,
जाने दो धीरे धीरे। अभी जहाँ से वो स्कूटी टर्न हो रही है वहीं से हम लोग को लेफ्ट जाना है। लेफ्ट के हम लोग राइट भी जा सकते हैं आई थिंक, सीधा स्ट्रेट जाके आगे से राइट, जहाँ सामने नेक्सॉन जा रही है वहीं पे स्लो करके एकदम, स्पीड का कोई रोल नहीं रहेगा। राइट वाला पैर आप ब्रेक पे ले आओ, हाँ हल्का स्पीड डाउन करो, सीधा जाना, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लॉन्ग हॉर्न, जाने दो जाने दो जाने दो, राइट काटो फटाफट, राइट काटो जल्दी जल्दी, राइट काटो, चलो लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। उसका ना आपने फिर वो स्टीयरिंग वैसे ही टाइट करके पकड़ लिया था अभी, आगे से राइट का सिग्नल दो, हाँ ब्रेक पे पैर है ना, लेफ्ट आओ धीरे धीरे, लेफ्ट आओ, अब यहाँ से राइट जाना है धीरे धीरे, काटो राइट आराम से, आराम से, हाँ धीरे 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 धीरे, वापस लेफ्ट आओ, हाँ हॉर्न मारो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो। ये सेक्टर 17 की सब्जी मंडी है, समझ रहे हैं, यहाँ पे शाम को बहुत तगड़ा रस रहता है। अगर शाम को यहाँ से गाड़ी आपने निकाल ली बगैर किसी को टच करे, समझ लो पायलट हो गए। एक यहाँ पे, एक बुध बाजार में, एक अमीनाबाद, जाओ बढ़ाओ धीरे धीरे आराम से। ये वाला हाथ आपका बार बार ऊपर चला जा रहा है, उस हाथ को ऊपर ले जाना है। हॉर्न मारो इनको नहीं, दोनों ये बोनट पे बैठ जाएंगे। राइट काटो जल्दी से, लेफ्ट आओ, हाँ यही छोटी छोटी चीज़ें देखनी है, समझ रहे हो, नज़र हटी की दुर्घटना घटी। ये स्टीयरिंग देखो कहाँ पकड़ लिया, और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वहाँ पे आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे आना ज़रूरी, फिर पकड़ी गलत स्टीयरिंग, राइट रखो राइट, हाँ ये गड़बड़ी नहीं करनी है आज, क्यों ये गड़बड़ कर रहे हो। अभी सीधा जाना स्ट्रेट, एकदम सीधा, स्पीड ब्रेकर है, हल्का सा ब्रेक लेके निकालना है यहाँ पे, लेफ्ट आओ, हाँ स्पीड ब्रेकर है, हाँ जाने दो सीधा, गुड, हाँ आगे भी एक स्पीड ब्रेकर है, जब स्पीड ब्रेकर आया करे हाफ क्लच और हाफ ब्रेक, थोड़ा सा क्लच दबाओ, क्लच भी लो, हाँ वेरी गुड। ये देखो आसानी से गाड़ी निकल गई, सेकंड गियर में ही हम मतलब गाड़ी को अपनी निकाल सकते हैं स्पीड ब्रेकर पे वहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमको हाफ क्लच और हाफ ब्रेक, 50% क्लच और 20% ब्रेक, ब्रेक ज़्यादा दबाओगे तो गाड़ी झटके मार के बंद हो जाएगी। स्लो करो, ब्रेक पे पैर रखो, हल्का राइट रखो राइट, स्पीड कम करो, सामने से बिटारा ब्रिज आ रही है, स्पीड कम, हल्का राइट रखो, लेफ्ट का सिग्नल दो, मेन रोड से ऊपर को, हाँ राइट रखो, हल्का लेफ्ट जाना हमें, टर्न करो लेफ्ट, काटो धीरे धीरे, काटो काटो काटो, और काटो और काटो और काटो, सीधी करो, बस इसी लाइन में रखना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, चलो बढ़ाओ धीरे धीरे, गुड, जाने दो धीरे धीरे। 39 पर स्टीयरिंग को जब हम पकड़ते हैं ऐसे तो हमको ये पता चल जाता है हमारा पहिया कहाँ जा रहा है, अगर थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उससे हमको अंदाज़ा लग जाता है, मगर हाथ चेंज करें हम उसको संभाल सकते हैं। जब हम स्टीयरिंग ही गलत पकड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, गाड़ी इधर उधर जाएगी, इधर उधर जाएगी, फिर क्या होगा, अगर इधर उधर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जाने दो धीरे धीरे, आगे जहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है वहीं से हमको लेफ्ट टर्न करना, टर्निंग पे आप चाहे तो फर्स्ट गियर भी कर सकते हो, चाहे तो हाफ क्लच और हाफ ब्रेक पे गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हो, और जब हम हाँ सेकंड गियर पे आराम से रख सकते हो। जब हम एक्सीलेटर नहीं इस्तेमाल करते तो हम क्लच दबा के ब्रेक ले सकते हैं, हमारी क्लच प्लेटों पे कोई लोड नहीं पड़ेगा। थोड़ा स्लो करो और स्लो करो, लेफ्ट काटो धीरे धीरे, और हाँ अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक और लेना था, लेफ्ट आओ या लेफ्ट आओ, सीधी करो सीधी सीधी सीधी, देखो पप्पी पड़ा हुआ है, लेफ्ट आओ बच जाओ, बढ़ाओ स्पीड धीरे धीरे, और लेफ्ट आओ जाने दो, हल्का राइट रखो, सामने टी पॉइंट से राइट जाना जहाँ से एम्बुलेंस मुड़ी है, ठीक है, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, हाँ बस हल्का लेफ्ट आओ, जाने दो धीरे धीरे, बस अब राइट काटना है धीरे धीरे अपनी साइड से, हाँ काटो राइट धीरे धीरे, ताकि लेफ्ट आओ धीरे धीरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ज़्यादा अचानक स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा घुमा देती हूँ, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, रोड की सिचुएशन के हिसाब से हमको स्टीयरिंग घुमानी है, ठीक है ना। एक तो आपके हाथ बार बार चेंज हो जा रहे हैं, जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है, जब हम सीधा सीधा चलाएंगे तो 3 और 9 क्लॉक टाइम वॉच टाइम, और जब हम गियर चेंज करेंगे तो लेफ्ट वाला हैंड हमारा जो गियर पे आएगा और राइट वाला जो 12 क्लॉक पे, ठीक है ऐसे, हाँ ये हाथ नहीं लेकिन ये तो गियर पे आएगा ना, हाँ ऐसे करके जाने दो धीरे धीरे, स्पीड कम, आराम आराम से, हाँ बस ये सिंगल रोड है, वन वे रोड पे चलाना बहुत टफ होता है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आती हैं ना, तो उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। जाने दो, आगे से हम लोग को लेफ्ट चलना है, सिग्नल दो लेफ्ट का, गुड,
हाँ धीरे धीरे, अब साइड मिरर में आपको फोकस करना है कि मुझे अपनी गाड़ी कितनी लेफ्ट दबानी है। हाँ ये सामने जहाँ एडजस्ट जा रही है, लेफ्ट आओ। स्टीयरिंग गलत पकड़ लेती हो थोड़ा सा, स्टीयरिंग का ही तो रोल है पूरा, सारा खेल तो स्टीयरिंग का ही है ना। और स्टीयरिंग गलत पकड़ेंगे तो फिर ये डिस्को डांस करने लगेगी गाड़ी रोड पे एकदम। हल्का राइट रखो, जाने दो। हल्का लेफ्ट हो और लेफ्ट, गुड, जाने दो। अभी आगे बाल बिहार वाला कट आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा हॉर्न मार के चलना ताकि सामने से कोई अचानक आ ना जाए। अब यहाँ पे लॉन्ग हॉर्न पुश करो एक बार, बस बस बस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे झूम शराबी झूम वाले, टहलते रहते हैं। बगल में मधुशाला है तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते हैं। सीधा जाना, हॉर्न हॉर्न मारो, हॉर्न हल्का लेफ्ट आओ, हाँ बढ़ाओ धीरे धीरे। अब यहाँ पे ना स्लोप है, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, थोड़ा सा जाने दो। हाँ जाओ, स्पीड बढ़ाओ, वेरी गुड। अब यहाँ पे चढ़ाई है, चढ़ाई पे हमको दो चीज़ों का ध्यान देना है कि अगर गाड़ी आपने रोक दी तो उसको फर्स्ट गियर में करके बढ़ाना है, और टर्निंग भी है और चढ़ाई भी है, बहुत डिफिकल्ट है। लेफ्ट आओ, हाँ यहाँ पे चढ़ाई है तो एक्सीलेटर भी लेना पड़ेगा और टर्निंग पॉइंट भी है, बहुत डेंजर मोड है, वेरी गुड। राइट काटो फुर्ती से, ब्रेक पे पैर लियाओ आप, हाँ लेफ्ट आओ फटाफट, थोड़ा कंजेस्टेड है, लेफ्ट ही रखो, जाने दो, जाओ धीरे 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 धीरे, वेरी गुड। यहाँ थोड़ा उबड़ खाबड़, ये सीवर लाइन थी बैठ गई थी, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, राइट रखो, जाने दो। दोस्तों आज जैसे कि सेकेंड या थर्ड डेज है, थर्ड डेज है, थर्ड डेज के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।